हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि मैं आपसे कौन से प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ नीविया के फेस वॉश की, जो कि बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि आपको पता है कि फीमेल के लिए बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मेल के लिए भी होते हैं, बट इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल मेल के लिए बहुत ही कम होते हैं। मुझे उनको देख के बेचारा सा फील होता है, क्योंकि बेचारे थोड़े से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं। वो हमारी तरह ब्लश नहीं लगा सकते, वो हमारी तरह यू नो कॉन्टर नहीं लगा सकते, वो हमारी तरह आई शेडो नहीं बना सकते, बट हाँ उनके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वो यूज़ करें अगर तो उनकी स्किन बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत ही फेयर और बहुत ही अच्छा लुक देगी, तो बहुत ही ग्लोइंग भी लगेगी। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल की स्किन ही ग्लोइंग लगती, मेल की स्किन को भी ग्लोइंग लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो भी तो यू नो अच्छा दिखना उनका भी तो हक है, खाली हमारा थोड़ी ना है। तो मैं मजाक कर रही थी। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नीविया का मेंस डीप मॉइस्चराइजिंग क्लीनिंग एंड यू नो फेस वॉश। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वहाँ पे छोटा सा बेल आइकॉन होगा, वो भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके मोबाइल पर आ जाएगा, आपके स्किन आपके जो है YouTube का जो अकाउंट है उसमें नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, तो आप अपने चैनल को देख आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। आप मैं बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू भी करती हूँ, इवन मैं क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे मेरे पास हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अगर प्रोडक्ट वाकई में अच्छे हैं या नहीं भी अच्छे हैं तो उनका मैं रिव्यू करके आप लोग को बता दूँ, जिससे एटलीस्ट आप लोग अगर खरीदने जा रहे हैं तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग खरीदें। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं खरीदें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट का रिव्यू भी कर देती हूँ, और मैं आपके साथ DIY शेयर कर लेती हूँ, और मैं आपके साथ मेकअप का वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप मेरे वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाके देखेंगे अगर, तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने शेयर किए हुए, बहुत सारे DIY शेयर किए हुए, बहुत सारे मेकअप लुक्स शेयर किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया हुआ है। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मेरे और वीडियोज़ के बारे में आप देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो चलिए स्टार्ट करते हो देखते कि मैं आपसे कौन से प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ जिसका मैं आपके लिए रिव्यू। वैसे आपको यू नो टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, तो चलिए फिर भी मेरा तो काम है आपको बताना। तो ये है नीविया मेन इम्पैक्ट डीप इंटेंस क्लीनर, ये मैं आपको कैमरे में देख के बता रही हूँ, इवन मुझे उल्टा दिख रहा है बट मैं फिर भी पढ़ ले रही हूँ। तो ये है नीविया का, तो ये है नीविया मेन डीप इम्पैक्ट इंटेंस क्लीन फेस एंड बियर्ड फेस वॉश ब्लैक कार्बन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंस के लिए स्पेशली है, वीमेन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके जो बियर्ड होते हैं, उनके जो फेस होते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है इन कंपैरिजन ऑफ वुमेन। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उनको भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशंस लगता है, बहुत ज़्यादा उनको जाना आना पड़ता है हर जगह, तो और डेली वो इतनी अपनी केयर नहीं कर पाते हैं जितना हम करते हैं। कुछ लोग करते होंगे नो डाउट, बट इतनी नहीं कर पाते जितनी वुमेन करती हैं। तो ये जो फेस वॉश है ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ख़रीदा था, और ये मैं करीब वो 2 महीने से यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये फेस वॉश करने के बाद उनकी स्किन बहुत ही क्लीन एंड क्लियर लगती है, क्योंकि क्या होता है कि वेरी वेरी फ्रैंकली मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जितना हम अगर अपने डेली स्किन रूटीन करते हैं, कभी डे केयर का रूटीन कर रहे हैं, नाइट केयर रूटीन कर रहे हैं, आफ्टरनून रूटीन केयर कर रहे हैं, बट मेंस इतना नहीं कर पाते। वो अगर बहुत हार्डली करेंगे तो वो एक बार मॉर्निंग में कर लेंगे, कोई मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, कोई क्रीम लगा लेंगे अगर ड्राई स्किन है, या फिर बहुत ज़्यादा यू नो विंटर टाइम पे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो अदरवाइज वो इतनी केयर नहीं कर पाते हैं अपनी। तो ये जो कार्बन का जो है, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर मेन हु वांट टू क्लियर अवे इम्प्यूरिटीज एंड ऑयल। तो ये ऑयली स्किन के लिए भी है, ये ड्राई स्किन के लिए भी, ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी। तो मेरे हस्बैंड की जो स्किन है वो ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई नहीं है बट ड्राई स्किन है, तो वो भी ये यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, उनके फेस पे रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और इसमें लिखा हुआ है योर फेस एंड बियर्ड आर क्लीन एंड योर स्किन फील्स रिफ्रेश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करने के बाद बहुत ही क्लीन एंड क्लियर दिखती है। और इसमें लिखा हुआ है कि यूज़ कैसे करना है।
तो लेदर अप द जेल एंड मसाज ओवर द वेट फेस एंड बियर्ड अवॉइडिंग द आई एरिया रिंस ऑफ विथ वाटर. तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे हाथ पे लेना है, 2 से 3 बूंद जितना आपको रिक्वायर्ड अमाउंट हो. लेने के बाद आपको अपने गीले फेस पे अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा रब करना, मसाज करना. मसाज करने के बाद आप किसी भी नॉर्मल वाटर से या लुकवार्म वाटर से जैसा आपको लगे वैसा आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है. और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये वन वॉश में नहीं जाती है. उन जो मेंस की बियर्ड एंड स्किन को पॉल्यूशन एंड डर्ट होती है वो आप अगर बोलो कि एक बार में आपने एक बार लिया क्लीन कर लिया ऐसा नहीं होता है. आपको 2 बार इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बार में तो आप उनकी स्किन प्रॉपर क्लीन हो ही नहीं पाती, दोबारा उनको वापस से क्लीन करना पड़ता है. तो क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं तो इसलिए मैं देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया. और ऐसा नहीं है कि जो है किसी की स्किन बहुत ज़्यादा गंदी है तो भी मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है. अगर किसी की स्किन साफ भी है, इवन मैं खुद भी अपने स्किन पर कोई भी चीज़ अप्लाई करती हूँ, फेस वॉश या फेस स्क्रब, फेस वॉश स्पेशली, तो फेस वॉश को 2 बार अप्लाई करती हूँ. तो उससे क्या होता है कि एक बार में तो आपकी ऊपर की ऑयल, ऊपर का जो डर्ट होता है, जो पॉल्यूशन होता है वो हटता है. दूसरी बार में क्या होता है कि जो आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो फेस वॉश है आप उसको 2 बार अप्लाई करिए, तब आपके फेस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. और इसमें इन्ग्रीडियंट्स तो बहुत सारे हैं बट मैं कुछ कुछ पढ़ देती हूँ. इसमें ग्लिसरीन है एंड कैस्टर ऑयल है एंड लाइमोनन है, परफ्यूम लाइमोनन परफ्यूम है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम लॉरिस सल्फेट है, बहुत सारे हैं इसमें. कैस्टर ऑयल एंड मिर्थ सरफेस. एक्चुअली मुझे ना आई साइट की प्रॉब्लम तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट हाँ मैं बता रही हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद इसमें फेस पे बहुत ही अच्छे से क्लीन एंड क्लियर सा ग्लो आता है. तो ये जो मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे लोग जो कि मेल हैं, तो उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप इसको यूज़ करिए, आग बंद करके. कोई भी ज़रूरत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपकी स्किन मैं ऑयली स्किन के लिए तो स्पेशली है, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, वेरी ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, किसी भी तरीके की स्किन हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये रहा एक मेरा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि रिव्यू करके बताया कि आप कौन से आप इस निविया मैन को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. और ये कार्बन, ब्लैक कार्बन है, तो आप इसको ऐसे ओपन करके देखेंगे तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा. ये इस तरीके से ब्लैक कलर में आएगा, तो ये ब्लैक कार्बन है क्योंकि इसलिए ब्लैक कलर में अंदर से निकलेगा, बट ये निकलता ब्लैक है लेकिन आपकी स्किन को पूरा वाइट करके छोड़ेगा. तो ये रहा, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका मेरा एक छोटा सा वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर इसको यूज़ किया है तो आपको कैसा लगा. आपने अगर यूज़ किया है या कोई फीमेल मेरी फ्रेंड्स देख रही हैं तो उनके हस्बैंड ने अगर यूज़ किया है तो उनके हस्बैंड को कैसा लगा, उनके फेस पे कैसा लुक आया, उनके फेस पे कैसा इफेक्ट पड़ा, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नया वीडियो साथ, एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.